ये हमारे सैटर्न से कोई 4 घंटे, 4 से 5 घंटे कह सकते हैं हम, 5 घंटों का फासला है। हमें 5 घंटे लगे यहाँ पे आते आते। और चुप कर गधे के बच्चे, गधों का क्या करें? हाय गधे, मैं मोरों की तलाश में यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ मोरों को, और यहाँ पे मुझे गधे नज़र आ रहे हैं। गधे तो हर जगह होते हैं भाई, तो फिर मेरा थर पार कराने का क्या फ़ायदा होगा? हाँ ठीक है, कम हाँ कम अरे ही माओ जो को माना मिठाई जो दुकान दे मिल वही माओ है क्या? हाँ वही नल माओ यार। हाँ अने कच्चू आया खाया ना जड़वा? कच्चू आया, कच्चू आया। अच्छा टेस्ट कर सकती है? सही ना, टेस्ट कर, टेस्ट कर। चाय पीने के बाद तो अचानक हनीफ भाई ने कहा कि मैं कल मिट्टी जा रहा हूँ किसी जाती काम के हवाले से, अकेला हूँ, अगर तुम चलोगे तो साथ को एंजॉय करते आएंगे। मैंने कहा भाई जहाँ मिट्टी और थर का नाम हो तो मुसव्वर चौहान इनकार कर ही नहीं सकता। मुहर्रम का दिन भी था, शहर भी सारा बंद था, और आप सबको तो पता है कि मैं घूमने का कितना शौकीन हूँ। के बारे में तो कोई भी दोस्त अगर कह दे हनीफ हीरो साहब को इनकार करना ही इम्पॉसिबल है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम अभी कोई मेरे ख्याल से आधा घंटा बाकी है मिट्टी शहर पहुंचने में, बरसातों का माहौल भी है, और ये तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि थरपारकर में घूमने का मज़ा तो बरसात तो नहीं होता है। अगस्त का महीना चल रहा है, बहुत बरसातें हो रही हैं यहाँ पे। आज बदकिस्मती से बादल नहीं है, बहुत गर्मी है, लेकिन बरसातों का सिलसिला वक्तन को वक्तन जारी है। हर तरफ हरियाली है। विदाउट अगस्त के अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत मज़ेदार माहौल होता है, लेकिन हरियाली नहीं होती। दूध के बहाने आते हैं और अच्छा खासा घूम कर चले जाते हैं आप, बस कभी ऐसा हुआ है कि दूध के बहाने आए हों और आपको आप घूमने के लिए भी निकले हों, या बस दूध लेकर वापसी हो जाती है? नहीं, तो जब 2018 में मैंने डेयरी ओपन की है उसके बाद दूध के हवाले से आना हुआ है, बाकी इससे पहले तो मैं वैसे ही अच्छा घूमने आता रहा हूँ। एक दो दोस्त हैं उनसे मुलाकातें करने आते थे यहाँ पे, मशहूर जो सिंगर है रफीक फकीर, उस्ताद रफीक, हाँ उसका भी तालुक यहाँ से। मिट्टी में, मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो है घूमने वाली पॉइंट कौन सी है? वो तो मिट्टी जो है गड्डी बिट उसको बोलते हैं। अच्छा गड्डी बिट, जहाँ 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 पे चढ़कर सारा शहर जो है नज़र आता है, वो प्याले की तरह शहर का नक्शा है, बिल्कुल नज़र आता है। चलो, और रात के टाइम में तो बहुत मज़ा आता है वहाँ पे, क्योंकि मिट्टी में एक चीज़ यह भी है तो बिजली 1 मिनट के लिए नहीं जाती। नहीं,
किस्म का नलका जो है मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या ही बात है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी बहुत कम देखा होगा इस तरह का नलका। अब ये चलता है कि नहीं चलता, इसको चेक करते हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं चलता क्योंकि ये सूखा पड़ा है। ऐसे नलके आपको तकरीबन यहाँ थरपारकर में ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ का जर जो होता है वो बहुत नीचे होता है। मैंने ये नलका चलाने की कोशिश करी लेकिन चला नहीं, क्योंकि ये सिस्टम जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से अंदर पानी नहीं है या कोई और मसला है। कहीं दूर से मुझे मोर के बोलने की आवाज़ें सुनाई थी। अब मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ का जो है मोर नज़र आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि मिट्टी के मोर पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं, क्योंकि मोरों की तादाद यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। अब इस तरफ से कोई आवाज़ आया था लेकिन मेरे ख्याल से घर हैं इस तरफ से मुझे आवाज़ें आ रही थी मोर की। चलो कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा। कोई ज़माना हुआ करता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोर पाए जाते थे लेकिन आजकल मोर मिलते नहीं हैं। ये लाइट के खंभे ना, लोग कहते हैं कि ये लाइट के खंभों की वजह से काफ़ी जो मोर हैं उनकी हलाकत हुई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मोरों की नस्ल जो है ख़त्म होती जा रही है, और लोग भी यहाँ मोर यहाँ से लेकर नकल मकान कर जाते हैं दूसरे इलाकों में। रेत बहुत गर्म है, मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली मर्तबा मैं रेत के टेले पे चढ़ रहा हूँ। हाय गधे, मैं मोरों की तलाश में यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ मोरों को, और यहाँ पे मुझे गधे नज़र आ रहे हैं। गधे तो हर जगह होते हैं भाई, तो फिर मेरा थर पार कराने का क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे गधे ही नज़र आ रहे हैं। वो हमारे दूध की गाड़ी जो है वो फिल हो रही है, और ये मेन रोड है मिट्टी की तरफ जाता है इस्लामकोट मिट्टी। मैं मोर की तलाश में इस टेले के ऊपर आ गया हूँ, लेकिन जब रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जब रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ तो आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो अभी आपको आवाज़ सुनाई दी, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मोर इधर ही किधर है, बस अब नज़र आने की देर है। नज़र आएगा तो फिर करीब जाएंगे उसके, फिर प्यार मोहब्बत से उसके साथ बातें करेंगे, बैठेंगे। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं नीचे जा रहा हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। बदकिस्मती से आज हमारे नसीब में बादल भी नहीं, बरसात भी नहीं। नसीब अपना अपना भाई। कुछ देर यहाँ छाँव में बैठते हैं, और जब तक ये गाड़ी फिल नहीं हो जाती, वो सामने रही ये वाली गाड़ी। वैसे आज मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, बस दोस्त ने दूध की गाड़ी फिल करवानी थी तो उसके साथ में आ गया। ऐसा कहा जा सकता है कि किसी छोटे से काम की वजह से
आना पड़ा और इसी बहाने ये रौनक देखनी पड़ी। बहुत मज़ा आया क्योंकि आउटिंग के बगैर मुझे मज़ा नहीं आता। ये हमारे सकरण से कोई चार घंटे, चार से पाँच घंटे कह सकते हैं हम, पाँच घंटों का फासला है। हमें पाँच घंटे लगे यहाँ पे आते आते। और चुप कर गधे के बच्चे, गधों का क्या करें। मोर पे होने मस्त मजा जाके मोर को नजर आए हुआ फोटो कट रहा है जान भरी दो। भाई बियो चकर मिट्टी पियो चा पर मुके मोर मिलियो को ने सताई आवाज उबुदम। सो हाने ये मोर फर्स्ट क्लास तरीके सा बिठो आ मुके दिसी बजे बियो माना मिट्टी ही थर्ड टाइम आयो मा ट्रियो बेरो पर मोर मा पेरो चकर बिठो।